नमस्कार दोस्तों, एरन विद प्रजापति में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं BTT कॉइन के बारे में। तो फ्रेंड्स, BTT कॉइन में क्या कुछ होने वाला है वो हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पे जो BTT कॉइन की जो सप्लाई है वो बढ़ने वाली। उसके बाद में दोस्तों, जो BTT कॉइन है वो यहाँ पे डीलिस्ट होने वाला है और जो न्यू BTT कॉइन है वो यहाँ पे लिस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद में दोस्तों, हम जो BTT ओल्ड कॉइन है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो अभी BTT ओल्ड कॉइन है। तो हम BTT ओल्ड कॉइन को BTT जो न्यू कॉइन होगा उसमें हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BTT कॉइन की सप्लाई के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक से दो वीडियो में बता दिया कि जो BTT कॉइन है इसकी सप्लाई इंक्रीज होने वाली है। अगर अभी हम BTT कॉइन की सप्लाई की बात करें तो 990 बिलियन इस कॉइन की सप्लाई है, जो बढ़कर 990 ट्रिलियन होने वाली है। अगर आपके पास BTT कॉइन का एक कॉइन है तो फ्रेंड्स, कुछ ही दिनों बाद में BTT कॉइन को आपके 1000 कॉइन आपको मिलने वाले हैं, यानी कि आपको एक कॉइन पर 1000 कॉइन हो जाएंगे आपके। अगर आपके पास 10 कॉइन है तो आपके पास थोड़े ही दिनों बाद में 10000 कॉइन हो जाएंगे। और यहाँ पर इस कॉइन की जो प्राइस है वो प्राइस भी यहाँ पर 1000 गुना कम हो जाएगी। यानी इस कॉइन के अगर अभी हम प्राइस की सपोज करें कि 20 पैसा है, तो आने वाले टाइम में इस कॉइन की जो प्राइस है वो हो जाएगी 0.00020। और इसके बाद में दोस्तों, हम BTT के ट्विटर अकाउंट पे आ चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन देखोगे तो दोस्तों, यहाँ पे 4 दिन पहले इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो BTT कॉइन जो स्वैप होने वाले, जो सप्लाई इंक्रीज होने वाली है वो होंगी 1 into 1000। और इसके बाद में दोस्तों, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने जो 7 अरब जो BTT कॉइन है इनकी भी यहाँ पे बर्निंग की है। और दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं जो BTT कॉइन डीलिस्ट होने वाला है उसके बारे में और जो न्यू कॉइन लिस्ट होने वाला है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इनके फाउंडर है जस्टिन सन, उन्होंने यहाँ पे कल ही लाइव आके पूरी स्ट्रीम पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं BTT कॉइन वो कुछ ही दिनों बाद में डीलिस्ट हो जाएगा और एक न्यू कॉइन लिस्ट होगा जिसका नाम होगा BTT। और अभी जो कॉइन हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम वो है BTT ओल्ड हो जाएगा। और दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं कि हम इस कॉइन को, जो BTT ओल्ड कॉइन अगर हमारे पास अभी एक्सचेंज पे स्वैप में रखे हुए हैं तो हम उस कॉइन को BTT कॉइन से, BTT जो न्यू कॉइन है उसमें हम कैसे एक्सचेंज करेंगे। तो ओल्ड कॉइन है उनको हम BTT जो न्यू कॉइन है उसमें हम कैसे स्वैप करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे जो जस्टिन सन है, जो इसके फाउंडर है, उन्होंने यहाँ पे लाइव आके पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपको करना क्या है, स्वैप BTT ओल्ड टू BTT न्यू कॉइन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो BTT ओल्ड कॉइन है वो BTT जो कॉइन है उसमें स्वैप होंगे। और उसके बाद में आप यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो स्वैप का ही दिया हुआ है। उसके बाद में दोस्तों, आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट देख सकते हो, इफ़ योर BTT ओल्ड इज हेल्ड ऑन CEX। तो दोस्तों, अगर आपके पास CEX पे अगर आपके BTT ओल्ड कॉइन है वो होल्ड है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दोस्तों, उसमें जो पहला होगा कि कुछ एक्सचेंज है वो ऑटोमेटिक आपके जो कॉइन है उनको BTT ओल्ड से BTT जो न्यू कॉइन है उसमें आपके कॉइन को स्वैप कर देंगे, जो फर्स्ट पॉइंट होगा। अगर आपका जो एक्सचेंज है वो अगर BTT ओल्ड कॉइन और BTT न्यू कॉइन को अगर स्वैप नहीं करेगा तो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके आपको जो अपने कॉइन है उन कॉइन को BTT ओल्ड से BTT न्यू कॉइन है उसमें आपको स्वैप करना होगा। इसके लिए आपके पास जो भी आप वॉलेट यूज़ करते हो उस वॉलेट को इनके जो वेबसाइट है इस वेबसाइट से आपको कनेक्ट करना होगा, वो वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपके पास BTT के ओल्ड कॉइन अगर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे पड़े, डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे पड़े, तो उसमें आपको क्या करना होगा वो आप थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो BTTC की वेबसाइट है इस वेबसाइट पे जाना है। और दोस्तों, वो वेबसाइट है यही वेबसाइट रहने वाली है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, एंटर द अमाउंट ऑफ BTT ओल्ड जो
उसके बाद में आपको जो BTT ओल्ड कॉइन है उसकी अमाउंट है उसको आपके इंटर करना है, जो आपके पास जितने कॉइन है उतने ही कॉइन की इंटर अमाउंट है वो इंटर करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको साइनिंग करना है और यहाँ पे अप्रूव द एक्शन इन वॉलेट करना है। और उसके बाद में फ्रेंड्स आप यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देखोगे तो एड न्यू BTT टोकन इज सर्चिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे जो इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आपके जो BTT ओल्ड कॉइन है वो BTT न्यू कॉइन में स्वैप हो जाएंगे। और इस तरह से अगर आपके पास एक्सचेंज या स्वैप पर अगर आपके पास BTT ओल्ड कॉइन रखे हुए हैं तो उन कॉइन्स को आप BTT न्यू कॉइन में स्वैप कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो BTT कॉइन की माइनिंग के बारे में दी हुई है, जो इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इन्होंने एक ट्वीट शेयर किया है, इस ट्वीट में जो gate.io पर जो पिछले मतलब वीकली रिपोर्ट दी हुई, इस वीकली रिपोर्ट में जो BTT कॉइन है उसने बहुत ही शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया, जिसमें 30% के आपको तेज़ी देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स अगर आप BTT होल्डर हो तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अलर्ट हो जाइए, आप अपने कॉइन्स को जो BTT ओल्ड कॉइन से BTT कॉइन है उसमें आप यहाँ पे स्वैप कर लीजिए। अगर आपके पास एक्सचेंज में पड़े, अगर आपके एक्सचेंज है वो BTT ओल्ड कॉइन को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वो ऑटोमेटिक आपके जो BTT कॉइन है उनको यहाँ पे स्वैप कर देंगे न्यू BTT कॉइन में। इसके अलावा दोस्तों अगर BTT कॉइन के बारे में और कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे ज़रूर कनेक्ट हो जाए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज आएगी मैं वो वहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे ही दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।